संक्रमण के बढ़ते दौर में भी छत्तीसगढ़ सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक होती है। समय के साथ साथ आवश्यकताएं बदल गई। इन आवश्यकताओं में रोजगार भी महत्वपूर्ण हो गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत हितग्राहियों को रोटी की पूर्ति के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इस संक्रमण काल में भी महिला स्व सहायता समूहों को सामग्री निर्माण के लिए रोजगार भी दिया जा रहा है। पौष्टिक खाद एवं पोषण आहार वितरण से नन्हे बच्चों और माताओं के लिए अति आवश्यक है। इसे देखते हुए आंगनबाड़ी बंद होने की दशा में भी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पौष्टिक आहार वितरण को घर पहुंच सेवा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला कबीरधाम में लॉकडाउन अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं लाभान्वितों में पूरक पोषण आहार योजना अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, 3 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन के माध्यम से रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। इस विषय पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग आनंद तिवारी ने बताया कि वर्तमान में COVID-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद रहने के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा गतिविधियां संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 News। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।